गिर गया। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द चैनल। सुबह के 6:05 बज चुके हैं और मैं बस निकल रहा हूँ, थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि मुझे जाना है कलमबोली। 6:30 तक मुझे कलमबोली पहुँचना था। तो अभी हम निकल रहे हैं गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया बोलो अम्बे माती की जय। तो गाइज अभी बज चुके हैं 6:15, हमें 6:30 तक कलमबोली पहुँचना है। एटलीस्ट 30 से 45 मिनट्स हमको लगेंगे वहाँ पे पहुँचने के लिए, तो हम चल रहे हैं लेट। तो अभी मैं काम करता हूँ, फटाक करके गणपति बप्पा के दर्शन लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूजुअली मैं इन्हें थाने से ज्वाइन करता हूँ क्योंकि ये राइड थाने से ही शुरू होती है, लेकिन इस बार हमने सोचा कि हम कलमबोली में इनको मिलेंगे। हाँ, तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैं इस बार भी TBB द बाइकर्स ब्रदरहुड के साथ जा रहा हूँ। हम जा रहे हैं दामणी घाट जो अराउंड 170 odd kilometers है यहाँ से। तो अभी बस हम मंदिर पहुँच रहे हैं, बप्पा के दर्शन लेते हैं और फटाफट चलते हैं क्योंकि लोग हमारी राह देखते रहे बैठेंगे वहाँ पे। गणपति बप्पा मोरिया। तो इस बार थोड़े हम जल्दी में हैं, पता नहीं, मैं 4:30 को तो मैं उठ गया था लेकिन काफ़ी टाइम पास किया मैंने, मोबाइल वोबाइल पे टाइम पास करते बैठा। आई डिड नॉट रियलाइज कि लेट हो जाएगा। तो चलो गाइस, ये वाला रास्ता तो आप देख चुके हो पहले भी, तो मैं अभी आपको सीधा कलमबोली में मिलता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो रास्ते में हम कैमरा फिर से ऑन करेंगे। सो गाइस अभी हम कलमबोली पहुँच चुके हैं एंड दिस इज़ द ग्रुप। तो आज हमारे राइड में 8 राइडर्स हैं। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे एंड द नेक्स्ट स्टॉप विल बी लोनावला विच इज़ एट मनस शांति, जहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। इफ यू रिमेम्बर पिछले बार जब भी हम कामशेद के राइड पे गए थे तभी भी हम वहीं पे रुके थे। वैसे अभी ATM जाके आ चुका हूँ मैं, मैंने कैश निकाला है। तो अभी बस यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं, द नेक्स्ट स्टॉप विल बी मनस शांति विच इज़ एट लोनावला, जहाँ पे हम ब्रेकफास्ट करेंगे। तो चलो अभी हम लाइन अप करते हैं सो दैट वी स्टार्ट आवर राइड। ये नया हेलमेट बहुत तकलीफ दे रहा है। आइडियली मुझे इसको 10-15 दिन पहले खरीदना चाहिए था ताकि इसका ब्रेक पीरियड हो जाए, लेकिन अभी क्या करें, चलो कोई नहीं, देखते हैं, थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ कर नहीं सकते। लेकिन तो मैं अभी क्लोज पहन लेता हूँ। चलो गाइस फिर अभी निकलते हैं यहाँ से, मैं आगे आपसे मिलता हूँ फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं हमारा ग्रुप कहाँ पे चला गया, मतलब कलमबोली के जंक्शन तक हम लोग साथ में ही थे लेकिन अभी काफ़ी टाइम से कोई दिख नहीं रहा है मुझे। तो मैं काम करता हूँ, साइड में रुकता हूँ, उनके आने की राह देखता हूँ, पता नहीं क्या हो गया। मतलब आइडियली इतना टाइम लगना नहीं चाहिए उनको। कोई भी नहीं है, किधर है सब लोग, बहुत टाइम हो गया ना, कोई दिख नहीं रहा है, अपन भगा भी नहीं रहे, आराम से चल रहे हैं। हाँ चले आगे, रुके क्या? हाँ धीरे धीरे चलते हैं, आ ही जाएंगे उन लोग। और यहाँ पे मैं रुका हूँ क्योंकि हमारे ग्रुप के कोई भी बंदे नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट एक बंदा जो मेरे पीछे था वो भी काफ़ी टाइम से दिख नहीं रहा है। सो गाइस अभी मैंने फ़ोन किया, पता चला है उन्होंने कलमबोली से फर्स्ट राइट लिया और हम लोगों ने सेकंड राइट लिया, इसके लिए हम लोग आगे चले गए।
सो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है मनशक्ति में। मिसल खाया मैंने और एक वड़ा पाव खाया, अभी एकदम पेट भर गया। तो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से हम सीधा अभी जो हमारा पॉइंट है तामणी घाट, मोस्ट प्रॉब्ली वहीं पे मिलेंगे। नहीं नहीं उसके पहले हमको हमारे बाकी जो राइडर्स है जो पुणे से आने वाले हैं उनको हमको मिलना है, और फिर साथ में हम वहाँ से तामणी घाट जाएंगे। तो चलो फिर मिलते हैं। सो गाइस अभी हम कामशेद से, आपको याद है पिछली बार मैं जब भी कामशेद रह रहा था तो कामशेद से हमने राइड किया है ब्रिज के नीचे से, तो ये रोड शुरू होता है एंड अभी हम जा रहे हैं टुवर्ड्स तामणी घाट। काफ़ी खूबसूरत रोड है, आप देखोगे तो दोनों तरफ पहाड़ है और बीच से ये पतली ये छोटा सा रास्ता जा रहा है, मतलब सिंगल लेन है, छोटा नहीं है लेकिन सिंगल लेन है। आसपास में छोटे छोटे गांव है एंड द वेदर इज ऑल्सो ब्यूटिफुल, धूप है लेकिन इतनी गर्मी नहीं है। दूसरी बात है होप सो मेरी आवाज़ अच्छी तरह से आ रही है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि ये हेलमेट लेने की वजह यही थी कि हमारे पुराने ब्लॉग्स में विंड डिस्टॉर्शन आता था और आवाज़ साफ सुथरी नहीं आती थी, और इसी वजह से हमने ये हेलमेट खरीदा। तो होप ये हेलमेट खरीदने की वजह से वो इशू रिजॉल्व हो गया होगा। तो अभी तो पता नहीं चलेगा, जब मैं वीडियो एडिट करूँगा और उसका आउटपुट देखूँगा तभी पता चलेगा। थोड़ा सा घाट सेक्शन भी शुरू हो चुका है अभी, ये रास्ते के बीच में बंगर है, बहुत अच्छा लग रहा है। केदारनाथ मंदिर, तो चलो शिव जी के दर्शन भी हो गए। ओहो सुपर्ब। दोस्तों आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो काफी खूबसूरत लग रहा है ये नजारा, ट्विस्टीज है, ट्विस्टीज में काफी मजा आता है गाड़ी चलाने के लिए। हम बस आपको ध्यान देना पड़ता है क्योंकि अपोजिट साइड से गाड़ी आ सकती है, तो ओवरटेकिंग वगैरह करने के टाइम पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। आज छत्रपति शिवाजी जयंती भी है, तो इसी वजह से आप देखोगे काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, वैसे ऊपर जो है ये एक्सप्रेस वे है और पावना के लिए यहीं से जाते हैं। पावना एजन एक्सप्रेस वे से उतरने के बाद आपको पावना के लिए ये रोड है, यहाँ से आगे थोड़े ही आगे पावना डैम है। यहाँ पे काफ़ी कैंपिंग साइट्स भी है, इनफैक्ट मैं तो 3-4 बार यहाँ पे कैंपिंग साइट में रुका हूँ ओवर नाइट नेक्स्ट टू द रिवर। काफ़ी मज़ा आता है यहाँ पे, रात को क्लाइमेट सुपर्ब हो जाता है। हम लोग यहाँ पे रुके हैं, काफ़ी खूबसूरत लोकेशन है। थोड़ा ब्रेक लेते हैं क्योंकि काफ़ी थे, मतलब जब से मनशांति से निकले मनशक्ति से हम लोग रुके नहीं, पर हमारे बाकी के लोग भी अभी आ रहे हैं तो थोड़ी देर यहाँ पे रुकते हैं, पानी वगैरह पीते हैं, देन विल मूव फ्रॉम हियर। सो गाइस हमने 10-15 मिनट का ब्रेक लिया यहाँ पे, अभी सब राइडर्स हमारे आ चुके हैं तो अभी यहाँ से निकलते हैं। अरे यार चाबी कहाँ है यार, ये चाबी कहाँ है, चाबी कहाँ है, ये किस्सा बार बार दोहरा रहा है। चाबी मैं जेब में रखता हूँ और फिर ग्लव्स पहन के चाबी निकाल नहीं सकते। आज तीसरी बार हुआ ये कि चाबी मैं जेब में रखा, ग्लव्स पहना और बाइक स्टार्ट करने के टाइम पे याद आ गया कि चाबी कहाँ है। चलो हम अभी निकलते हैं। हमने अभी 141 किलोमीटर्स किए हैं और 25 से 30 किलोमीटर बाकी है हमारा लोकेशन पहुंचने के लिए। सो गाइस अभी जो पुणे से हमको ज्वाइन होने वाले थे वो आ चुके हैं, सो दिस इज़ द फाइनल गैंग।
तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं एंड दैट विल बी टू तामनी घाट डायरेक्टली। यहाँ से और आधा पौना घंटा लगना चाहिए हमें पहुँचने के लिए। तो गाइस अभी हम आगे आ चुके हैं और ये फिर से एक घाट सेक्शन चालू हुआ है। अभी 157 हमने किलोमीटर्स किए हैं और एक 15 से 18 किलोमीटर बाकी है टू रीच आवर लोकेशन। दिस इज बेसिकली मुर्शी एरिया है जो पुणे डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। काफी खूबसूरत रोड है, बहुत सुपर्ब है। हम बस लेफ्ट राइट है तो काफी ट्विस्टीज है। आप देख सकते हो राइट में यहाँ पे ये शायद से रिवर है। हमने पीछे भी देखे तो यहाँ पे चिकू के बागान थे और बहुत सारे फ्रूट्स वगैरह के भी बागान है यहाँ पे। आप अगर सॉइल भी देखोगे मिट्टी यहाँ की रिच लगती है, काफी उपजाऊ। गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है दोस्तों, I'm telling you, I'm really enjoying myself. So guys, मैंने पीछे बोर्ड पढ़ा, this is not a river, this is a lake, this is Mulshi Lake. So guys, this is the Mulshi Lake. काफी बड़ा है इसलिए मुझे पहले लगा कि शायद से ये रिवर होगा, but then that's a lake. गाइस आप ये रोड देख सकते हो, ये पिछले 10-12 किलोमीटर से ये रोड ऐसे ही चल रहा है। इतना खूबसूरत है ये, इतना खूबसूरत है। मेन इसका जो लोकेशन है, मतलब एक तरफ लेक है, दूसरी तरफ पहाड़ है और घनी झाड़ियां हैं। मैं इस तरफ पहली बार आ रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू, इतना सुपर्ब है ये, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। सो गाइस आप देख सकते हो ये पहाड़ बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिस प्लेस, ये जगह काफी खूबसूरत है। मैंने यहाँ पे थोड़ी देर टाइम पास किया और अभी कोई जगह ढूंढ रहे जहाँ पे थोड़े छांव में बैठ सकें। इवन दिस लोकेशन इज़ वेरी गुड, लेकिन यहाँ पे कुछ बैठने के लिए जगह नहीं है तो हम लोग अभी यहाँ से यू टर्न ले रहे हैं, कहीं पे चिल आउट करेंगे थोड़ी देर एंड देखते हैं फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द मुल्शी लेक। तो ये स्ट्रेच ऑफ रोड स्ट्रेच है। आप देख सकते हो ये कितना स्टीप है, लेकिन ये रोड अच्छा है। मतलब नीचे जो है ना तार है, आपको अगर याद है हम गए थे कच्छ जब भी हम फसल पार्क गए थे वो भी रोड ऐसी था, लेकिन वहाँ पे पूरी मिट्टी पत्थर थे। यहाँ पे तार का रोड है, नीचे छोटा है लेकिन है, तो ग्रिप अच्छी मिलेगी यहाँ पे। मुझे नहीं लगता आते समय भी कोई दिक्कत होगी चढ़ाई के लिए। तो अभी यहां से
सो गाइस आप देख सकते हो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छी जगह है ये। दिस इज इन मिडिल ऑफ नोवेयर। थोड़ा हम नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या है। वेरी ब्यूटीफुल। और ये हमारी गैंग है, सब आ चुके हैं। यस इट इज अ नाइस प्लेस। अरे 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 गिर गया मुलशी, गाड़ी गिर गया इसका। हेलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, अभी हम थोड़े और नीचे आ गए हैं, गाड़ियाँ ऊपर लगाई है, अभी हवा चल रही है, आपको हवा की आवाज़ तो सुनाई देती रहेगी। सो गाइस अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, नेक्स्ट स्टॉप विल बी एट एन होटल फॉर लंच। अच्छा ट्रेल है ये, वैसे तो अपनी बाइक तो ऑफ रोड के लिए नहीं है, बट थोड़ा बहुत तो कर लेती है यार। अभी हम खाने के लिए रुके हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा लोकेशन है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी गाड़ियाँ नीचे पार्क्ड है। दिस इज द मेन रोड एंड दिस इज द प्लेस। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे क्या खाने में क्या है, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी हमने खाना ऑर्डर किया है, अनफॉर्चुनेटली मैं अकेले नॉन वेजिटेरियन हूँ, बाकी ये सब वेजिटेरियन है। ये सब जितने राक्षस दिख रहे हैं सब आज वेजिटेरियन है। कोई राक्षस नहीं, एक ही राक्षस है। तो चलो मैं देखते हम बताते हैं आपको खाना कैसा था। सो गाइस अभी खाना हो चुका है, हमने नॉनवेज थाली मंगाई थी एंड द फूड वाज रियली गुड। इट वाज सिंपल फूड बट इट वाज वेरी टेस्टी। भाकरी चिकन एंड राइस। तो चलो फिर यहाँ से चलते हैं। सो गाइस अभी हम खाना के निकल चुके हैं, इट्स 4:30 नाउ। तो चलो फिर आगे मिलते हैं आपसे। अभी मैं जाने वाला व्लॉग नहीं करूँगा क्योंकि इसी रास्ते से आए थे, बस वही है। तो आगे कुछ अगर दिखाने लायक हो तो मैं फिर से कैमरा ऑन करूँगा। तो चलो फिर मिलते हैं आगे। तो गाइस आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में दिस इज सो ब्यूटीफुल, और आप रोड देख सकते हो कितना स्टीप है, सीधा नीचे जाता है, ये पूरा माउंटेन उतर रहा है, स्ट्रेट उतर रहा है नीचे।
दिस इज वन ऑफ द रोड जहां पे बाइकर आनी चाहिए, मतलब बहुत मजा आएगा। ऐसा लगता है ये बाइकर्स के लिए बना हुआ है। दिस इज स्ट्रेट स्टीप, मतलब आपसे थोड़ी भी गलती हो गई यू आर डन। रियली ब्यूटिफुल मैन, रियली ब्यूटिफुल। इट वॉज अ डे वेल स्पेंट, आई एम टेलिंग यू गाइस। मतलब बहुत अच्छा दिन गया आज का, मजा आया। ये लोकेशन ही सुपर है। तो चलो फिर मैं अभी आपसे मिलता हूँ आगे। तो वैसे अभी हम यहाँ रुके थे चाय के लिए। कितना टाइम क्या इतना है, कितना बजे टाइम? 6:25। तो इट्स 6:25 इन द इवनिंग नाउ। हमें घर पहुँचते पहुँचते 8:30 होने चाहिए। अभी हम कहीं पे भी नहीं रुकेंगे, सिर्फ लोनावला में चिक्की लेने के लिए रुकेंगे, वहाँ से सीधा घर। तो अभी हमने हमारे सब भाइयों को टाटा गुड बाय बोल दिया है। तो फिर चलो, फिर मिलते हैं आगे। चल भाई।